और योगेश यादव जी, पहला सवाल ये है कि आप लोगों ने बीजेपी आरोप लगाती है कि माइनॉरिटीज की डेफिनेशन सिर्फ मुस्लिम समाज के इर्द गिर्द समेट कर आप लोगों ने रख दी है, इसीलिए इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। देखिए, 1967 से जब बेलजोड़ी का चुनाव हुआ था और सामने जनसंघ का दिया था, जब से मुझे प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान है, लेकिन मैंने अपने जीवन में प्रजातांत्रिक मूल्यों को इतने निष्कृष्ट भाव से इतना पराजित और पताड़ित होते हुए नहीं देखा कि ये प्रजातंत्र में, इस प्रजातंत्र की एक बहुत बड़ी दुहाई है कि देश के प्रधानमंत्री कोई छुटबैया नेता नहीं, कोई चौक चौराहे का नेता नहीं, प्रधानमंत्री सांप्रदायिक बात करता है और मुसलमान शब्द का प्रयोग करता है। ये घिन आती है इस बात को कि प्रजातंत्र के तार को इन्होंने त्राही त्राही कर दिया। और योगेश यादव जी, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था जो बार बार बीजेपी कोट कर रही है? बात पूरी नहीं हुई, आपने मुसलमान शब्द का प्रयोग किया। मैंने नहीं किया, मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन किया था मैं, बात वो भाई ने बोला सरिया शब्द, मैं बोलता हूं अमित शाह ने सरिया शब्द को पैदा किया। इस देश के अंदर काल्पनिक आरोपों को पैदा किया जा रहा है। भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, इन पर बात क्यों नहीं करते? अच्छा, राजेश जी, जब आप यहाँ शुरू हुए थे तो आपने अपने महंगाई पर बात क्यों नहीं की? अब मुझे योगेश जी बताइए, योगेश जी अभी डिबेट शुरू हुई है, अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हो गया है। योगेश यादव जी, अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हो गया है। पार्टी के अब मेरा एक सवाल है, मैं ट्रैक पर डिबेट नहीं करेंगे, ठीक है? हम अपने मुद्दों पर डिबेट करेंगे, ठीक है? हम आपके ट्रैक पर डिबेट नहीं करेंगे। नहीं, सुनिए, मैं दुर्गेश जी का रुख करूं। पवित्रता होना चाहिए, ठीक है? मेरे अंदर सर सुनिए ना, होनी चाहिए सर, सुनिए ना, मेरे अंदर पवित्रता बहुत है, मेरे पवित्रता का टेस्ट कोई ना ले। आप मुझे योगेश भाई उस पर भी आऊंगा, निजीकरण की बात, योगेश जी उस पर भी आऊंगा। अरे सुनिए ना योगेश जी सवाल सुनिए, मैं उस पर भी आऊंगा। आपने ये कहा, रुकिए भाई, आऊंगा, रुकिए, सवाल बचा कर रखिए, आपके पास आऊंगा, सवाल बचा कर रखिए। आपने कहा काल्पनिक आरोप, तो अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है या कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि इस बार बीजेपी जीत गई तो देश में चुनावी खत्म हो जाएगा, आगे चुनावी नहीं होगा, तो क्या ये काल्पनिक आरोप नहीं है? ये काल्पनिक आरोप नहीं है, आरोप है ये, कैसे असली आरोप हो गया? ये काल्पनिक आरोप नहीं है। विपक्ष को समाप्त किया, ईडी ने देश की जुडिशियली समाप्त की। आप देश के अंदर ना न्यायविद है, ना हमारी सरकारी एजेंसी है, जो भी बात करता है उसका गला घोटने की कोशिश की, यही प्रजातंत्र है क्या? आपका चौथा मीडिया दिनेश गुप्ता जी यहाँ पर है, चौथा जो हमारा मीडिया है उसका गला घोटा जा रहा है। किस आपके टीवी पर मैं नहीं दे रहा हूँ आरोप, लेकिन देश का मीडिया किस तरीके से पिछलग्गू हो गया है, किस तरीके से मोदी किस स्वर में बोलने लगा है, कहाँ है प्रजातंत्र, कहाँ है प्रजातंत्र? आप बताइए, ठीक है? कहाँ है प्रजातंत्र? मैं जनता से अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, रुकिए, आप लोग हाथ उठाकर बोलिए, प्रजातंत्र देश में है कि नहीं है? लोकतंत्र है कि नहीं है? क्या चुनाव समाप्त हो जाएगा इस देश में? क्या ठीक है, चलिए, डॉक्टर दुर्गेश जी सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी का आरोप है, योगेश जी का आरोप है कि अगर आप लोग आ गए तो इस देश में चुनाव समाप्त हो जाएंगे, काल्पनिक आरोप लगा रहे हैं, शरिया शब्द को आप लोग लेकर जा रहे हैं, ये लोग नहीं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। देखिए राकेश जी, हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं वो राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, मुंह की जमा खर्ची पूरी करेंगे, पर यथार्थ से दूर होकर ही सब बातें करेंगे। अब आ जाइए, इनको मुसलमान शब्द पे क्यों बुरा लगा? जब मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, अगर हमने उज्ज्वला कनेक्शन में सलमा को कनेक्शन दिया तो सीता को भी दिया, हमने मकान राम को दिया तो रहीम को भी दिया, हमने भेदभाव कहाँ किया? मुसलमान के शब्द पे इनको कैसे मिर्ची लग गई? मेरे भाई को वो दिल मिला गए, बिल मिला गए। और मुझे तो ये लगता है कि ये सिर्फ एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाली पार्टी है कांग्रेस। वो जो जेएनयू में सबसे पहले राहुल गांधी गए थे, जो बोलते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह हर घर से अफजल निकलेगा, और हमने कहा जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे, ये हमारी वो है। अगर कोई आतंकवाद को बढ़ावा देगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है? अगर कोई आतंकवाद का पक्ष लेगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है? कोई कितना भी बड़ा कुछ योगेश जी कुछ रिप्लाई करना चाहते हैं, एक छोटा रिप्लाई कीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करता हूँ। देखिए, एक मिनट, राम
एक मिनट, राम हमारे हृदय में आत्मसात है। अरे राम मंदिर क्यों नहीं बनने दिया? अगर राम हृदय में थे तो राम मंदिर का न्योता क्यों टुकराया? अगर राम आपके पास है, अगर राम आपकी बात राम की बात करते हो तो क्यों नहीं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में गए? अरे मुंह में राम, बगल में छुरी, मुंह में राम, बगल में छुरी, ये उनका नारा है, ये कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि क्यों नहीं, क्यों सहभागी कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता टुकराने का की सामग्री बनाते? देश की जनता जानना चाहती है क्यों राम मंदिर में नहीं गए, लोगों को 70 साल से। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का, दुर्गेश जी और योगेश जी, मैं बाकी मेहमानों का रुख करता हूँ। सर रुकिए, बात राकेश जी पूरी बात होना चाहिए। ठीक है, पूरी बात अपनी बात पूरी करिए, फिर अशी का रुख करता हूं। बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या देश के प्रधानमंत्री को पहले इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भाषा को बोल रहे हैं। आप तो मीडिया पर भी आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे हो। यहाँ पे आप मीडिया पर भी आरोप लगाने का काम कर रहे हो। जनता जनता की आवाज सुनो, अभी और भी सवाल रही है। मोदी मोदी जनता की बात आ रही है, वहाँ से निकल के बोलना चाह रही है। डिबेट का कार्यक्रम है, रुक जाइए। अरे रुकिए, नारेबाजी नहीं। यश भारतीय एक और मुद्दा है, मैं इसको लेकर लोगों के बीच जाता हूं। ईवीएम पर सवाल उठाया गया, 100% वीवीपैट की मिलान हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया, इतना अविश्वास करेंगे तो सिस्टम नहीं चलता है। रुकिए रुकिए प्लीज, नारेबाजी अभी नहीं। यश भारतीय अपनी बात रखे, आपकी आवाज जारी होने। आप बोलिए, आपकी आवाज जारी है। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत चाहिए भाजपा के साथी हो, मोदी मोदी जी कहें, 400 पार के नारे लगाएं, ये किसी पार्टी के समर्थक हैं, पदाधिकारी हैं, इनका दायित्व ये करें। अरे ठीक है, सुनिए मेरे, जब आप विचलित होते हो ना तो आरोप लगाने का काम करते हो। अच्छा, अब जनता पर ही आरोप लगाने लग गए, कौन से पदाधिकारी दिख रहे हैं आपको? ठीक है सर, मुझे बोलने दीजिए। यश भारती, जो आपसे सवाल पूछा गया सर, उसका जवाब दीजिए। आप लोग अभी शांत रहेंगे, मैं आऊंगा। पहले मंच पर मौजूद नेताओं की बात नहीं, मैं आऊंगा, अभी रुक जाइए। यश भारती अपनी बात, राकेश जी जो सवाल पूछा आपसे, इनका हक है, रुक जाइए। लेकिन सवाल जब तो बोलने दीजिए, आपकी आवाज जा रही होने। आप बोलिए, सवाल इनसे ही पूछिए आप जाके, जब इनसे पूछेंगे कि मोदी जी का 2019 में वादा था महंगाई खत्म करेंगे, 100 रुपए का पेट्रोल तो इनको भी मिल रहा होगा, अगर हमें मिल रहा है, हमें 100 रुपए में महंगाई दिखती है, 1100 रुपए का सिलेंडर तो हमने भी लिया, हमें महंगाई दिखती है, इनको सस्ता दिखता है 1100 का सिलेंडर, जब बच्चों की फीस भरने जाते हैं निजी स्कूल में तो इनको भी महंगा स्कूल दिखता होगा, जब स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बच्चों के इलाज के लिए जाते होंगे, बूढ़े माँ बाप के लिए जाते होंगे तो महंगा इलाज इनको भी दिखता होगा। हमारी लड़ाई उसी महंगाई के खिलाफ है, उसी बात के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी ईवीएम लेकर के आई, यही भारतीय जनता पार्टी थी जो ईवीएम के खिलाफ बोलती थी। सुब्रमण्यम स्वामी जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ गए तो वो भारतीय जनता पार्टी गई। रोड पे अगर कोई काम किया तो आप बीजेपी की बात छोड़िए ना सर, आप अपनी पार्टी की बात करिए, आप उनके प्रवक्ता थोड़े नहीं है। राकेश जी सुनिए, आप उनके प्रवक्ता थोड़े नहीं है। आज जो कोर्ट ने कहा उस पर जवाब दीजिए ना सर, क्या कहेंगे इसके बाद? सुनिए आप ही की बात, आपने ईवीएम की बात की। मैं ईवीएम के खिलाफ अगर देश में सबसे ज्यादा अविश्वास पैदा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज अगर ईवीएम की बात देश कर रहा है, विपक्ष भी कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों अब दूर हो गई इस बात से? अरे मैंने कोर्ट पर सवाल पूछा था, वीवीपीएट लेकर के आई भारतीय जनता पार्टी, अब वीवीपीएट का समर्थन करने में क्यों? जनता की कमाई से तो अरे तो विरोध कौन कर रहा है? यश भारती जी, एक आपका विश्लेषण एमपी की 29 सीटों को लेकर, आप बदलाव देख रहे हैं, कांग्रेस का दावा देख रहे हैं, क्या इक्वेशन आपको दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इस टक्कर का? देखिए मुख्यमंत्री यश मोहनी आ जाइए, मुख्यमंत्री नहीं, ये सवाल दिनेश जी से था, उत्तर मैंने नाम गलत किया, दिनेश जी से सवाल पार कर रहे हैं, एक मध्य प्रदेश में हम 29 पार कर रहे हैं तो 29 सीटों से, अरे 29 सीट है, 29 पार क्या करेंगे? 29 सीट है 29 बार क्या करेंगे? दिनेश जी आपका विश्लेषण फिर मैं दिनेश जी के बाद आप लोगों के बीच आ रहा हूँ, रुक जाइए, दिनेश जी की बात को जाने दीजिए। देखिए क्या है, मध्य प्रदेश